Hello, good morning to everyone. So how are you all doing? I hope you are all fit and fine wherever you are. So today we are back with some new topic, especially for class 12, whether it's CBSE or RBSE. In both the examination it comes. तो चलो देखते हैं आज क्या कर रहे हैं. आज formal reply to the invitation एक topic है, वो भी शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशन का ही हिस्सा है, उसे हम करने जा रहे हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज वी आर नॉट इन हैबिचुअल ऑफ राइटिंग दिस काइंड ऑफ रिप्लाई. भारत में क्या होता है कि नॉर्मली इनविटेशन देने वाला इनविटेशन देके चला जाता है एंड दैट इज़ अप टू अस वेदर वी गो और नॉट. तो ऐसे वजह से और इसी वजह से क्या होता है कि जो प्लानिंग होती है ऑर्गेनाइजर की, वो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टाइप सिचुएशन में आ जाती है. उसे एग्जैक्टली पता तो होता है कि उसने कितने लोगों को बुलाया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कितने लोग वास्तव में आने वाले हैं. इसी वजह से जो फूड एटसेट्रा जो भी अरेंज करना होता है उसमें थोड़ी दिक्कत तो आती है. कई बार ज़्यादा बन जाता है वो भी वेस्ट है, कई बार कम बनता है वो भी अच्छा नहीं है. तो इसका उपाय यही है कि अगर कोई इन्विटेशन देता है तो वी शुड गिव द रिप्लाई. दो तरीक़ों से दिया जा सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. आज हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल. फॉर्मल यानी औपचारिक, एक पैटर्न है जो कि फॉलो किया जाता है. इनफॉर्मल भी उतना इफेक्टिव है, फॉर्मल भी इतना ही इफेक्टिव है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दोनों ही आना चाहिए बिकॉज क्लियरली मेंशन रहता है क्वेश्चन में कि यू हैव टू राइट फॉर्मल. और अगर फॉर्मल लिखा हुआ है तो हमें फॉर्मल पैटर्न से जाना पड़ता है. तो देखते हैं क्या है फॉर्मल पैटर्न, और आपको पर्पज़ तो समझ में आ ही गया होगा. इसमें ज़्यादा कुछ लिखने के लिए है नहीं, पर्पज़ यही है कि अगर हम किसी को रिप्लाई दे देते हैं, चाहे हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वो अपनी व्यवस्था ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है और ऐसा करना भी चाहिए. सो लेट्स सी फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने हेडिंग डाल रखा है फॉर्मल रिप्लाई टू द इन्विटेशन. जो आमंत्रण पत्र हमें मिलता है उसका रिप्लाई देना, ये आज का टॉपिक है. नेचुरली दो तरीके से हो जाएंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे हम या उसको डिक्लाइन करेंगे. एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, डिक्लाइन यानी मना करना कि भाई नहीं आ सकता ड्यू टू सम रीज़न. वो बाद में देखेंगे अगली क्लास में. स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने बना दिया है यहाँ पे बोर्ड पे, उसके बाद अभी लाइव मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके बताने वाला. आई एम गोइंग टू टेल एंड गोइंग टू राइट द लाइव इन फ्रंट ऑफ यू. स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है एक्सेप्टिंग का, वो बहुत ही आसान है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. इट इज़ टू ईजी, ओनली थिंग थोड़ा सा कॉशियस रहना है. कहाँ पर रहना है मैं आपको बताऊँगा और यहाँ टिप्स भी लिख दूंगा. रिसीवर, आप रिसीवर हो मान लो, तो आप अपना नाम यहाँ पर लिख लोगे. आप धन्यवाद करते हो तो थैंक्स आ गया. सेंडर कौन है तो उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा. तो सपोज राम ने, आप राम हो, आपने रिसीव किया और मोहन ने आपको भेजा है, तो राम थैंक्स मोहन ऐसा हो जाएगा. फॉर इन्वाइटिंग, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है, दिस इज वॉट द वाइटल पॉइंट इज देयर, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है. मी लिखना चाहिए मुझे, ऐसा लगता है ना मुझे कि मी लिखना चाहिए. मैं अपने लिए तो मी लिखूँगा, लेकिन यहीं पे आके गलती भी सबसे ज़्यादा यहीं होती है और इसीलिए पूछा भी जाता है. ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन, यही टिप्स है इसका. ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज़ करना है. थर्ड पर्सन्स प्रोनाउन यही यूज़ होगा और कुछ भी यूज़ नहीं होगा. अब मेरे अपने लिए यूज़ करूँगा थर्ड पर्सन में तो ही यूज़ करूँगा, आपके लिए भी यूज़ करूँगा तो ही या सी, अगर कोई गर्ल है तो उसके लिए सी हो जाएगा. तो यहाँ पर तो मैंने सपोज यहाँ पे राम रखा है तो उसके लिए हिम आ जाएगा, और अगर सीता होती मान लो यहाँ पे तो हर आ जाता. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिस इज़ व्हाट द वाइटल थिंग, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने लिए मी नहीं लिखना है यहाँ पे, हमें अपने लिए थर्ड पर्सन का यूज़ करना है प्रोनाउन का, और वो हिम या हर बनेगा एज पर द जेंडर. फिर ये जो लाइन है, ये डिटेल्स आर टू बी रिटन, डिटेल्स आर टू बी रिटन रिगार्डिंग पार्टी इवेंट वेन्यू. वो मैंने गलती से नोट लिख दिया था, वो टू की बजाय नोट लिखा गया, कोई बात नहीं उसको मैंने चेंज कर दिया है. तो डिटेल्स आर टू बी रिटर्न, डिटेल्स लिखना है रिगार्डिंग
पार्टी, किस पार्टी के लिए आपको बुलाया है वो लिखना है आपको। मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति लगती है कि यार जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया है पार्टी के लिए, उसको तो पता ही है कि वो किस पार्टी के लिए बुला रहा है मुझे, बट इट इज़ आवर ड्यूटी एंड फॉर्मल, दैट्स व्हाट इट इज़ फॉर्मल, कि हमें वो सारे चीज़ों को वापस लिखना है कि उसने क्यों बुलाया है, तो उस पार्टी या इवेंट का नाम आएगा, उसे पता होगा कि वेन्यू उसने कहाँ रखा है, लेकिन उसे वापस हमें लिख के देना है कि भाई ये वेन्यू है जहाँ पे आपने मुझे बुलाया है। थोड़ा अजीब सा जरूर लगता है, आई डू एग्री विद दैट, बट वी कॉन्ट हेल्प, वी हैव टू गो थ्रू दिस पैटर्न ओनली। डेट आपको लिखना पड़ेगा, उसको पता है डेट लेकिन फिर भी आपको लिखना पड़ेगा, टाइम भी उसको पता है लेकिन फिर भी आपको लिखना पड़ेगा, एटसेट्रा, और भी कोई डिटेल रिलेटेड हो पार्टी इवेंट का तो सब लिखना है। सो अगेन आई गो, रिसीवर जो भी है वो धन्यवाद करता है सेंडर यानी भेजने वाले को फॉर इन्वाइटिंग। ये वाला पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप अपने जेंडर के हिसाब से प्रोनाउन थर्ड पर्सन का यूज़ करोगे, हिम या हर, अगर प्लूरल केस होगा तो देम आ जाएगा, वो मैंने लिखा नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। एंड डिटेल्स आर टू बी रिटन, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन, कि ये लिखना है, वो सारे डिटेल्स लिखना है रिगार्डिंग पार्टी, जिस पार्टी के लिए बुलाया जा रहा है, इवेंट, वेन्यू, डेट, टाइम एटसेट्रा, हो गया आपका। उसके बाद में ही और सी आ जाएगा, उसके हिसाब से आप कौन हो, ही हो या सी हो। ये लाइन मैंने एक बहुत ही इजी से लाइन लिख दी है, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से लिखा जा सकता है, बट आई वुड थिंक दैट दिस इज़ द ईजिएस्ट वन एंड द आई थिंक द रिक्वायर्ड वन विच वी रिक्वायर फॉर द एग्जामिनेशन। सो हैज़ ए ग्रेट प्लेजर, उससे अत्यंत खुशी है, ऐसा इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, उसे अत्यंत खुशी है, उसे मतलब कौन हो, आप ही हो, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। फुल स्टॉप ले लोगे यहाँ पे, ही और सी जैसा भी आपका जेंडर था विल बी ऑन टाइम, मतलब आप एश्योर कर रहे हो कि आप बिल्कुल सही समय पर पहुँच जाओगे, और आपका ये तैयार होने के बाद में यू हैव टू पुट इट अंडर द बॉक्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, कोई भी ऐसी चीज़ है सबको, और ये आपका तैयार हो जाएगा फॉर्मल रिप्लाई टू द इनविटेशन। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ एक लाइव करके, तो आप ज़रा देखें, इट्स मैटर ऑफ 5 मिनट ओनली, एंड यू विल गेट 4 मार्क्स इफ़ यू डू इट करेक्ट, देन यू विल फेच 4 मार्क्स एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर 4 out of 4, सो बेटर यू फोकस एंड लर्न, सो वेरी इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना हम सोच लेते हैं। सपोज आई राइट वन क्वेश्चन फॉर यू, इमेजिन, और सपोज ऐसे प्रश्न में लिखा रहता है यू आर राम, मैं वही ले लेता हूँ जो मैंने बोला था, योर फ्रेंड, आपका दोस्त है मोहन, कोई भी नाम ले सकता था, फिर भी राम एंड मोहन की जोड़ी बहुत चलती है, योर फ्रेंड मोहन हैज़ इन्वाइटेड, उसने आमंत्रित किया है आपको ऑन हीज बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी पर एट हीज रेजिडेंस, उसके निवास पर, अपने घर पे उसने रखी है पार्टी ऑन 25 जून 2020 8:07 PM। ये प्रश्न हो गया, इसमें लिखा होगा नीचे, ये मैंने राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया है कि आपको बुलाया गया है आपके दोस्त के द्वारा, आप राम हो, मोहन आपका दोस्त, उसने आपको बुलाया है उसके बर्थडे पार्टी पर, अपने घर पे बुलाया है, 25 तारीख डेट डाल दी है मैंने एज्यूम करके, ऐसे टाइम 7 o'clock, और आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, और वो एक्सेप्ट करते हुए, डिक्लाइन का थोड़ा अलग सा होता है, काफ़ी कुछ यही होता है, 2 लाइन चेंज हो जाती है नीचे की। तो मैं आपको बना के बताता हूँ, तो आप कौन हो, राम, तो आप पहले ले लोगे यहाँ पे राम, बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसे मैंने बताया था, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ उसका कैमरा में कवर नहीं हो, राम थैंक्स, और आपके दोस्त का नाम क्या है, मोहन, तो ये आ गया मोहन, राम थैंक्स मोहन फॉर इनवाइटिंग हिम ऑन, अब यहाँ से डिटेल शुरू हो गया, ऑन
his birthday party, ये इवेंट आ गया, which is, ये लाइन आपको याद रखने लेना है, which is going to be held, जो कि होने जा रहा है, going to be organized, ऐसा भी लिख सकते हो, held वाला ज़्यादा easy है और याद रहेगा, is going to be held, अब वो सारी डिटेल यहीं से मिल जाएगी, on, डेट ले लो पहले, 25th जून, 2020, 8:07 PM, ओके, वेन्यू, हिज रेजिडेंस, हाइफन लगा के लिख सकते हो, ये 8 लगा के भी लिख सकते हो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, जैसा भी वेन्यू लिख के लिख लो तो भी अच्छा है, या 8 लगा के सीधा लिख सकते हो यहाँ पे, तो डिटेल्स आ गए ना, देखो आप बर्थडे पार्टी इवेंट का नाम आ गया, होने जा रहा है कब, 25 जून डेट दिया हुआ है, कितने बजे है, 7 बजे, वो भी दिया, नहीं दिया है देन यू हैव टू इन्वेंट द डिटेल्स, दैट इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ डिटेल्स आर गिवन वेल एंड गुड, इफ डिटेल्स आर नॉट गिवन इन दैट केस यू हैव टू एज्यूम समथिंग एंड यू हैव टू राइट, मीन्स यू कैनॉट लीव दैट ब्लैंक, तो आपको लिखना ही है वेन्यू हिज रेजिडेंस फुल स्टॉप। अब आपके लिए वो लाइन मैंने लिख दी थी, बहुत ही आसान सा था, आप ही हो, ही आ गया, ही हैज ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, फुल स्टॉप ले लो यहाँ पे, और इसके बाद में ही विल बी ऑन टाइम, मीन्स यू आर फर्दर एश्योरिंग कि भाई मैं बिल्कुल ही टाइम से आऊँगा, आई विल नॉट बी लेट, लेकिन आपने देखा कहीं भी आई का प्रयोग नहीं किया, मी का प्रयोग नहीं किया, यू का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन का बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ थर्ड पर्सन का प्रयोग होगा, दैट्स इट, आपको इसको बॉक्स में डाल देना है और ये आपका तैयार हो गया, बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा बनता है, एंड यू कैन फेच 4 मार्क्स, इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो ये एक थोड़ा सा और बना देते हैं, वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा एक बॉक्स के ऊपर एक छोटा सा और बना देते हैं और इसके बीच में लिख देते हैं ऐसे फॉर्मल रिप्लाई, तो ये लुक के लिए है और एग्जामिनर को ये समझाने के लिए कि सर मैंने ये फॉर्मल रिप्लाई लिखा है, बाकी वैसे डे टू डे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कहीं नहीं लिखते हैं फॉर्मल रिप्लाई, ऐसे सीधा इतना सा प्रिंट करके या हैंड रिटन वी सेंड इट। सो लाइकवाइज द पर्सन हु इज ऑर्गेनाइजिंग द पार्टी ऑन एनी इवेंट ही वुड कम टू नो दैट यू आर कमिंग और नॉट कमिंग, सो इफ यू आर कमिंग नेचुरली ही विल अरेंज इन दैट वे, तो एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है इन्विटेशन का रिप्लाई करने का, और इसीलिए आपके सिलेबस में भी है, और सिलेबस में होने का मतलब है कि अगर हम उसको पढ़ते हैं तो जीवन में भी उतार सकते हैं, जो लोग एकेडमिक्स में हैं वो तो जानना ही जरूरी है उनको, लेकिन जो लोग मान लो ऐसे भी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मेट है, दे कैन यूज़ दिस फॉर्मेट वेन एवर दे रिसीव एनी इन्विटेशन एंड दे आर इंटरेस्टेड टू गो दे कैन राइट दिस वे, सो जो ऑर्गेनाइजर है उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप पार्टी ज्वाइन करने वाले हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, वंस अगेन आई टेल यू दैट प्लीज कीप वॉचिंग बिकॉज COVID-19 वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग अ लॉट, आई डोंट नो व्हेन एक्चुअल फेस टू फेस क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट, सो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन, वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस ओनली, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग आल्सो, टेल अदर्स आल्सो टू शेयर एंड मोटिवेट आल्सो टू लर्न, आई नो ऑनलाइन क्लासेस समटाइम इट इरीटेट्स, हम लगातार देख नहीं पाते हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कीप वॉचिंग, ओके थैंक यू वेरी मच, सी यू अगैन, बाय बाय।